फिर चेक कर लेते हैं, कभी ये फोन चालू हो सकता है, चालू हो रहा हो, कभी ना चालू हो रहा हो, तो अभी देख सकते हैं कि ये हमने ये फोन खोल लिया है, इसका स्क्रू फटाफट खोल लेते हैं, स्क्रू खोल के बोर्ड को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे सीपीयू लगा हुआ है, तो इसमें ये फोन कभी ऑन हो रहा है, कभी ऑन नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पे 1.8 वोल्ट आपको मिल रहा है। हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारा मोबाइल क्लब है और हमेशा की तरह आज भी मैं आपके बीच में हाजिर हुए। देख सकते हैं ये हमारे पास रेडमी का फ़ोन है जो कि किसी दुकानदार भाई के पास आया है और उनका कहना है कि ये फ़ोन पहले उन्होंने वो कहीं ने किसी से ठीक कराए थे, तो ये फ़ोन अभी दो दिन चला है, फिर उसके बाद ये फ़ोन बंद हो गया। अभी देख सकते हैं ये मैं यहाँ से पावर की इसको प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं ये, और यहाँ पे पावर की प्रेस करने के बाद ये फ़ोन चालू नहीं हो रहा है, देख सकते हैं आप, इसमें आपको दिख रहा होगा। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि इसमें हो सकता है बैटरी चार्ज ना हो, तो यहाँ पे मैं एक बार इसको चार्जिंग में लगाता हूँ। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं कि ये फोन अभी ऑन हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इसमें एक व्हाइट स्क्रीन आ रही है और बीच में एक लाइन आ रही है हरी हुई। ठीक है, तो फिलहाल देख लेते हैं इसको, फोन फिर चेक कर लेते हैं, कभी ये फोन चालू हो सकता है, चालू हो रहा हो, कभी ना चालू हो रहा हो, तो अभी देख सकते हैं कि ये फोन अभी क्या हो गया, सडनली बंद हो गया, ये और मैं प्रेस कर रहा हूँ लेकिन यहाँ पे कुछ आ नहीं रहा। ठीक है, तो ये फोन ऑन होके और व्हाइट स्क्रीन आके फिर बंद हो जा रहा है, तो इसको एक बार खोलेंगे और चेक करेंगे स्टेप बाई स्टेप इसमें क्या फॉल्ट है और क्या क्या काम हुआ है इस पर भी देखेंगे। तो इसको सबसे पहले हम इसको खोल लेते हैं। हमने ये फोन खोल लिया है, उसका स्क्रू फटाफट खोल लेते हैं, स्क्रू खोल के बोर्ड को निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं मैंने बोर्ड निकाल लिया बाहर, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सीपीयू पे इसका काम हुआ है इस पर, तो एक बार हम चेक करेंगे जब ये फोन ऑन हो रहा है और ऑन होने के बाद में कभी ऑन हो रहा है कभी नहीं हो रहा है, तो जब ऑन हो रहा है तो ये ब्लैंक व्हाइट स्क्रीन आ जा रहा है और व्हाइट स्क्रीन आने के बाद फिर थोड़ी देर में बंद हो जा रहा है, फिर ये ऑन नहीं हो रहा है। तो एक बार हम इसको चेक करेंगे और चेक करने के बाद में फिर देखते हैं इसमें ऑन हो रहा है, तो पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ स्क्रीन पे। ठीक है, तो ये आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो आप लोग देख सकते होंगे कि यहाँ पे ये सीपीयू पे काम हुआ है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे सीपीयू लगा हुआ है, तो इसमें ये फोन कभी ऑन हो रहा है कभी ऑन नहीं हो रहा है, तो हो सकता है कि इसमें इसको फिर से फाइनल टच देना पड़े या कुछ और इसमें फिर से रिवॉल्व करना पड़े। तो पहले एक बार हम इसको ट्रिक अप्लाई कर लेते हैं, जो कि अप्लाई करके इसमें पहले हम क्या करेंगे, इसको टॉप टच और इसमें टॉप टच दे करके इसको हम एक बार चेक करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको फिक्स कर लिया है, इसमें ऑन हो रहा है तो आपका सिंपल से बात है कि इसमें वोल्टेज सारे बन रहे होंगे, तो उसमें सीपीयू का ही फंडा लग रहा है, दिक्कत इसमें। तो
तो एक बार हम इसको फाइनल टच दे करके इसको देखेंगे। और यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा सी पी, ठीक है। और यहाँ पे हम थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, और इसमें हम थोड़ा सा फ्लक्स डालेंगे, ठीक है। बहुत ही थोड़ा सा फ्लक्स डालेंगे आप लोग देख सकते हैं। और फ्लक्स डालने के बाद में हम इसको एक बार फाइनल टच देंगे। और अगर फाइनल टच देने से अगर हमारा फोन नहीं ठीक होता है तो फिर हम आगे का इस पर प्रोसेस करेंगे। तो इसमें मैंने फाइनल टच दे दिया है। फाइनल टच दो तरह से दिया जाता है, एक सीपीयू के ऊपर से, जैसे हम सीपीयू रिबॉल करके या कोई ऐसी रिबॉल करके लगाते हैं तो वो जो बोर्ड का सरफेस होता है उसमें प्रॉपर वो बैठ सके, उसको उसके लिए हम फाइनल टच देते हैं, ताकि हमारा जो आईसी का बॉल होता है वो हमारा बोर्ड में सेट हो जाए अपने जगह पर। तो इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, ठंडा होने के बाद में फिर हम इसको चेक करेंगे एक बार मल्टीमीटर से, ताकि हमारा कहीं पे वोल्टेज वोल्टेज का लाइन में शॉर्टिंग वोटिंग तो नहीं है, क्योंकि हमने इसमें फाइनल टच थोड़ा सा ज़्यादा लग गया है। और आईसी लगाने के बाद में आपको हमेशा एक बार जो वोल्टेज की लाइन होती है या सीपीयू के आसपास में जो कंपोनेंट लगे होते हैं उस पर एक बार आपको चेक करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे आप स्क्रीन में ये मीटर भी आपको दिख रहा होगा, और मीटर पे हम इसको हमने डायोड और वजन पे यहाँ पे सेट करके रखा हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा सीपीयू है, और सीपीयू के आसपास में ये दो चार कंपोनेंट लगे हुए हैं, हम इनको चेक कर लेंगे। बट ये देख सकते हैं ये हमारा मीटर है, आपको दिख रहा होगा वैल्यू दे रहा है, जी बी दे रहा है। और यहाँ पे हम एक बार चेक करेंगे इसको, ठीक है। तो अभी हम इसमें देखते हैं इसमें क्या वोल्टेज पहले वोल्टेज का लाइन इसमें हम चेक करेंगे। इसमें इडियल वोल्टेज होता है, क्वालकॉम सीपीयू लगा हुआ है इसमें, तो हम इडियल वोल्टेज चेक करेंगे। अगर आपको नहीं पता है तो आप गूगल में मॉडल नंबर वाइज आप इडियल वोल्टेज पॉइंट सर्च कर सकते हैं। मीटर को हम वोल्टेज पे सेट कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ चेक कर लेंगे इडियल वोल्टेज। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पे 1.8 वोल्ट आपको मिल रहा है, ये भी आपको दिख रहा होगा स्टेबल है। तो ये आपका इडियल वोल्टेज है, अगर इडियल वोल्टेज ओके है तो आपका हो सकता है कि फोन ऑन हो जाए। तो हम बैटरी पर लगा लेते हैं, और बैटरी लगाने के बाद एक बार हम चार्जर में इसको यूज करते हैं।
तो फ्रेंड्स अभी देख सकते हैं यहाँ पे हमारा MI का लोगो आ चुका है और देखते हैं कि यहाँ पे अभी देखिए यहाँ पे चार्जिंग भी शो कर रहा है। चार्जिंग शो होने के बाद में अभी हम इसको ऑन भी करके देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं कि आपका ये फोन जो है अभी ऑन हो गया है, क्योंकि सिंपल सा एक ट्रिक था, काम किसी ने इस पर कर रखा था लेकिन काफी काम ठीक से CPU ठीक से नहीं लगे होने की वजह से ये आपका इसमें प्रॉब्लम आ गया था। फोन कस्टमर का कहना है कि जो फोन केवल 2 दिन चलाया वो और चलने के बाद में ये प्रॉब्लम आ गया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग ये फोन को, पहले हम लोग यह देख सकते हैं ये फोन आपका पूरा चालू हो गया है। यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका पूरा वर्किंग जो कि पहले नहीं ऑन हो रहा था। यहाँ पे वाइट डिस्प्ले ऑन नहीं होता था और कभी भी ऑन होता था तो इसमें एक वाइट डिस्प्ले और बीच में एक ब्लू कलर की लाइन आ रही थी, ताकि अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये फोन का ओके है, वर्किंग में है। और इसमें कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस फील्ड में काम करते हैं तो कोई भी आप CPU MMC या पावर लगाते हैं तो उसको अच्छे से फिक्स करिए, ताकि आपको आगे जाके दिक्कत ना आए। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये ट्रिक कमेंट में जरूर बताएं और एक प्यारा सा लाइक कमेंट जरूर दें। और अगर आप हमारे चैनल के नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, आपको जो भी वीडियो का इंफॉर्मेशन है वो आगे आपको मिल सके पहले से पहले। तो फ्रेंड्स अगर आपके पास में कोई फ़ोन भी है तो फ़ोन भी आप यहाँ पे रिपेयर के लिए भेज सकते हैं। आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं या किसी तरीके से काम करना चाहते हैं तो आप अभी इस नंबर पे कॉल लगाएं और कॉल करके आप जो भी इंफॉर्मेशन है ले सकते हैं, डेमो क्लास भी ले सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।